हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आज के वीडियो में बात करेंगे ब्रांड न्यू iOS 14 के बारे में। तो iOS 14 ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है वर्ल्ड वाइड में, तो आप ये ऑफिशियली डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी आईफोन जो 6s के अबो सपोर्ट जो है ये 6s के अबो है, मतलब जो भी जिसमें भी iOS 13 सपोर्ट किया है तो उसमें iOS 14 भी ऑब्वियसली इंस्टॉल हो जाएगा। और ये देख सकते हैं ये iOS 14 जो है, मैं ये आईफोन SE 2020 लेटेस्ट जो आईफोन SE 2020 जो मॉडल है उसमें भी इंस्टॉल किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और फीचर्स की बात करें तो देख सकते हैं iOS 14 में काफ़ी फीचर्स आए, देख सकते हैं सामने आपको देखने को मिलेगा ये फीचर्स, बड़े बड़े फीचर्स जो कि पहले नहीं थे। देख सकते हैं एप्पल टीवी में आप यहाँ से कोई भी फीचर्स ऐड कर सकते हैं। ये जो विजेट्स आप यहाँ से बाजू में देख रहे थे, यहाँ पे आपको विजेट्स का एक बार मिलेगा, मतलब यहाँ पे आपको विजेट्स के काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे, आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं विजेट्स को यहाँ से। और ये इस साइड जाएंगे तो आपको एक देखेंगे मैं ऐप लाइब्रेरी जो कि काफ़ी अच्छा है। ये फीचर्स कोई भी iOS में नहीं था, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। देख सकते सजेशंस, रिसेंटली एडेड, सोशल, क्रिएटिविटी, ये सब अलग अलग कैटेगरी में आ जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप ऐप लाइब्रेरी में काफ़ी मतलब यूज़फुल है ये चीज़, ठीक है। तो ये देख सकते हैं विजेट्स, तो विजेट्स को ही आप देख तो कहीं पर भी आप प्रेस करके रखेंगे तो आपको विजेट्स का यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपको फोटोज़, कैलेंडर्स वगैरह काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे, जो भी आपको विजेट्स ऐड करना तो उसको बस ऐसे होल्ड करके आप ऐसे कहीं पर भी ड्रैग कर सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पर आ जाएगा आपको। और रिमूव भी आप यहीं से कर सकते हैं कभी भी। तो ये विजेट्स काफ़ी अच्छा मतलब यूज़फुल है, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे विजेट्स आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और कोई सारे अभी काफ़ी ऐप्स के भी विजेट्स आपको मिल जाएंगे, मतलब कुछ लॉन्च हो जाएंगे उसके ऐप्स के, ठीक है। ये तो हो गया ये फीचर्स, और अभी ये सबसे अच्छा फीचर, सबसे फेवरेट लगा मेरे को ये इसका जो है बैक टैप। तो आप सेटिंग्स में आएंगे, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे होम स्क्रीन का भी एक ऑप्शन आ गया है तो लाइब्रेरी वगैरह के लिए। और इसका जो सबसे अच्छा फीचर मेरे को लगा कि वो है बैक टैप, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर ढूंढ नहीं मिले तो आप सर्च कर सकते हैं बैक टैप आप सर्च करेंगे तो देख सकते हैं, सॉरी बैक टैप में आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे टच में जाके आपको देखने को यहाँ पे आपको मिल जाएगा बैक टैप का एक ऑप्शन, देख सकते हैं ये एनेबल है, मैंने एनेबल किया। तो डबल टैप में आप स्क्रीनशॉट कोई भी चीज़ है आप यूज़ कर सकते हैं, सीरी या फिर नोटिफिकेशन जो भी चाहिए, तो फिलहाल सब लोग स्क्रीनशॉट यूज़ करेंगे, देख सकते हैं। तो ये अभी आईफोन अभी बंद है, ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है, तो बस कुछ नहीं करना, सिंपली पीछे ये जो है यहाँ पे कहीं भी आप डबल टैप करना है, जैसे कि मैं डबल टैप किया, देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, आप मतलब काफ़ी यूज़फुल है, कोई भी बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीन पे कोई भी नहीं, बस सिंपली आप डबल टैप करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और सेटिंग में जाके आप देख सकते हैं ट्रिपल टैप पे भी एक ऐप स्विचर कर दिया है, तो आप ट्रिपल टैप करेंगे ऐप स्विचर आ जाएगा, जैसे कि मैं सेटिंग चालू किया तो देख सकते एक दो तीन, देखिए ट्रिपल स्विच, मतलब ट्रिपल टैप करेंगे तो आपका ऐप स्विचर आ जाएगा, सॉरी डबल टैप करेंगे तो स्क्रीनशॉट, और ट्रिपल टैप करेंगे तो आपका ऐप स्विचर आएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। और दूसरे फीचर्स की बात करें तो देख सकते हैं मैसेज, आई मैसेज में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, तो फिलहाल तो बहुत कम यूज़ होता है इंडिया में, तो उसका कुछ दिखाने का कोई मतलब नहीं। मेमोजी इसमें बात करें तो मेमोजी में कुछ स्टिकर्स वगैरह थोड़े नए आए, जैसे कि एक दो स्टिकर ये आया है, कुछ स्टिकर्स नए दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। तो ये हो गया चीज़। अभी बात करते हैं कुछ दूसरे फीचर्स की, तो देख सकते हैं आप ये म्यूज़िक का जो आइकॉन है वो रेड कर दिया गया है, जैसे आई मैक में था कैटलिना में, जैसे मैंने मैक में यूज़ किया था सेम ही वैसा फीचर है। जैसे मैक का एक फीचर मेरे को इसमें अच्छा लगा है कि वो है पिक्चर, जी हाँ दोस्तों पिक्चर काफ़ी अच्छा फीचर है। जैसे आप यहाँ पे आके एप्पल टीवी में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते एप्पल टीवी में कोई भी एक सॉन्ग्स वगैरह ओपन कर, जैसे सपोज ये मैं न्यू आईफोन, ये जो है आईफोन SE का जो ये है तो कमर्शियल, तो ये जो देख सकते हैं आप, ये जो आप कमर्शियल देख रहे हैं तो यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो एक नया ऑप्शन ये है पिक्चर का ऑप्शन है, तो आप ये पिक्चर में काफ़ी अच्छा चीज़ है, मतलब ये वीडियो भी आपका चालू रहेगा, ऑडियो भी रहेगा, और यहाँ पे आप कुछ भी काम कर सकते हैं अपना कुछ भी, तो ये अच्छा चीज़ है। ये देख सकते हैं इसको कहीं पर भी ले सकते हैं, आप जूम भी कर सकते हैं और इसको बाजू में कहीं पर रख सकते हैं। ये सेम आपको macOS कैटलिना में मिल जाएगा, ये सेम मेरे को देखने में, तो यहाँ पे टैप करेंगे फिर से वो वापस भी आ जाएगा, और कहीं पर भी आप इसको हाइड कर सकते हैं, मतलब कोई आ गया कुछ करना है तो, और फिर से उसको ला सकते हैं। ये ऑडियो भी रहेगा इसमें, ऑडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये मतलब काफ़ी अच्छा फीचर लगा मेरे को, ठीक है। तो अभी दूसरे फीचर्स की बात करें तो देख सकते हैं सेटिंग्स में जाएंगे आपको, यहाँ पे कुछ चेंजेस देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा एनिमेशन का मेरे को चेंजेस लग रहा है,
और कंट्रोल पैनल में आप जाएंगे तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब और भी थोड़े ऐड हो गए यहाँ पे। और होम का तो है पहले से। और कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आप जाएंगे तो सेटिंग्स में जाके देखेंगे तो फीचर्स के काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन। एडिट में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे काफ़ी कस्टमाइज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको और भी फ्लिपकार्ट वगैरह या जो भी आप थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करेंगे उनके फीचर्स आपको मिलने जाएंगे यहाँ पे। आपको ऑफिशियल मतलब जो भी फीचर्स बनाएगा आई के लिए तो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। और दूसरे फीचर्स की बात करें तो देख सकते हैं आप म्यूजिक्स में कोई भी म्यूजिक्स वगैरह ओपन करेंगे तो ये म्यूजिक्स में जाएंगे तो आप देखने को मिला थोड़ा सा चेंजेस है, मतलब ब्लर थोड़ा काफ़ी थोड़ा यूआई को थोड़ा चेंजेस किया है। और सबसे अच्छा जो चेंजेस किया है मेरे को वो लगा सबसे वो है सीरी। या दोस्तों सीरी का जो चेंजेस है काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। जैसे कि मैक में जैसा था पहले वैसा किया है, मतलब पहले पूरा फुल स्क्रीन आ जाता था ना iOS 30 में, अभी क्या छोटा सा एक टाइनी बार हो जाता है। देख सकते देखिए कितना प्यारा लगता है। हाय सीरी, देख सकते कितना अच्छा लगा। तो ठीक है, तो ये अच्छा फीचर है। और सीरी ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी आप रिसेंटली ओपन करेंगे तो उसका एक नोटिफिकेशन दिखा देता है कि आपने ये ओपन किया था अभी फिलहाल। और कॉल का भी यूआई थोड़ा चेंजेस है, जैसे आपको कॉल जैसे आप कॉल आता था पूरा फुल स्क्रीन ब्लॉक हो जाता, सीरी जैसा ही ये हाल है उसका भी। तो यहाँ पे आप टाइनी छोटा सा दिखेंगे आपको रेड और वो क्रॉस ग्रीन और रेड जो भी है, ठीक है, तो वो देखने को मिलेगा। फोटोज़ की बात करें तो फोटोज़ में भी थोड़े बहुत चेंजेस यूआई दिखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे जाएंगे तो रिसेंटली में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक जूमिंग का ऑप्शन मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे जूमिंग जूम आउट, ठीक है, तो वही सेम ही है मतलब ऐसा है जूम। तो थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें किया गया है। बाकी फीचर्स की बात करें तो कैमरा में भी काफ़ी फीचर्स चेंज, मतलब क्विक टिप वगैरह लाया गया है, मतलब कुछ कुछ आईफोन में, लेकिन इस आईफोन में तो फिलहाल तो पहले से था, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ देखने को मिला मतलब आईफोन इसी में। बड़े बड़े जो 11 प्रो में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा उसमें फीचर्स में, बाकी तो सेम ही है, बस थोड़े बहुत फीचर्स है। और सबसे ये एक और एक ऐप आपको देखने को मिलेगा, ट्रांसलेट करके एक ऐप है, तो इससे आप कुछ भी ट्रांसलेट कर सकते हैं इजीली, कोई भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और जहाँ तक सफारी में भी आप वेबसाइट को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा फीचर है। बाकी कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें iOS 14 में। मेन इसका पर्पज़ था कि विजिट्स लाना और थोड़ा सा प्राइवेसी में इम्प्रूव करना और थोड़ा कन्वीनियंट बनाना, थोड़ा सा ऐप्स फीचर वगैरह ला के, तो वो सब चीज़ें मिला के ये काफ़ी अच्छा है। iOS 14 आप इंस्टॉल कर सकते हैं, बाकी फास्ट भी है। कुछ मेरे को बग तो ज़्यादा देखने को नहीं मिला फिलहाल, बाकी इसके अपडेट्स तो आते रहेंगे अभी, मेजर अपडेट माइनर अपडेट जो भी है आते रहेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑलराइट, सो पीस आउट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो HDMO VFX को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और VFX से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहे आने वाले दिनों में। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।